आज हम डॉक्टर मीनू वारिया के साथ, जो कि डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी मैक्स कैंसर सेंटर पटपड़गंज दिल्ली से हैं, और आज हमें डॉक्टर मीनू वारिया बताएंगी जनरल कैंसर के ऊपर। सो हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, मैम व्हाट इज कैंसर? कैंसर इज अ जनरल नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ मोर देन 100 डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस जिनकी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी सेम होती है। ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। हमारा शरीर बहुत सारे सेल्स से बना हुआ होता है। नॉर्मल प्रकृति का क्या नियम होता है, कोई भी सेल जो बॉर्न होता है वो अपने एक नियमित एक पर्टिकुलर साइज तक ग्रो करता है, फिर स्पेशलाइज होता है, डिवाइड होता है और उसके बाद उसकी डेथ होती है। सो एवरीथिंग इन नेचर विच इज बॉर्न हैज टू हैव इज लिव इट्स लाइफ एंड देन डाई। बट कैंसर ऐसे सेल्स होते हैं, कैंसर के सेल जो सिर्फ आगे मल्टीप्लाई करते जाते हैं और वो नॉर्मल प्रकृति के कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं, मतलब वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं और एक अनियमित रूप से ग्रो करते रहते हैं। पर ये जो ग्रोथ होती है इनको हम ट्यूमर कहते हैं। बट ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसरस, सारे के सारे ट्यूमर्स कैंसरस नहीं होते। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो सिर्फ लोकली ग्रो करते हैं और वो इन्वेड नहीं करते हैं, इन्हें हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर्स, जो एक ही जगह पे रहते हैं, सीमित रहते हैं बॉडी में, शरीर में, बाकी जगह ऑर्गन्स पे नहीं इन्वेड करते हैं, कहीं और फैलते नहीं हैं और जनरली ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, इन्हें बेनाइन ट्यूमर्स कहा जाता है। बट ऐसे ही कई ट्यूमर्स होते हैं जो अपनी जगह पर ग्रो करते करते साथ में बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में भी इन्वेड करना शुरू कर देते हैं और मेटास्टाइज करते हैं, जिनमें मेलिग्नेंट पोटेंशियल होता है। ये जो मेलिग्नेंट वाले ट्यूमर्स होते हैं उन्हें कैंसर कहा जाता है। कैंसर शरीर में तकरीबन जितने ऑर्गन्स हैं उतने ही टाइप का कैंसर होता है। कैंसर का नाम दिया जाता है, इस पे डिपेंड करता है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, अगर ब्रेस्ट से शुरू हुआ है तो उसे ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है, लंग से शुरू होता है तो उसे लंग कैंसर कहा जाता है, ब्रेन से शुरू होता है तो उसे ब्रेन कैंसर कहा जाता है। अगर ब्रेस्ट का कैंसर के सेल्स बाद में लिवर में भी पाए जाते हैं तो उसे ब्रेस्ट कैंसर का ही मेटास्टेसिस कहा जाता है, कि जो ब्रेस्ट से चल के लिवर में आ गया है उसको लिवर कैंसर का, मतलब कि लिवर में है बट ब्रेस्ट कैंसर के ही सेल्स वहां पे आए गए हैं। जिस ऑर्गन से कैंसर शुरू होता है उसका नाम उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने काफी अच्छे तरीके से समझाया कि कैंसर क्या होता है, लाइक बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। उसी तरह से मैम हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर, ये कितने तरीके का होता है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि कैंसर बहुत सारे टाइप्स का होता है। शरीर में जितने ऑर्गन्स होते हैं उतने ही टाइप का कैंसर होता है तकरीबन। ब्रेस्ट से शुरुआत होगी तो उसे ब्रेस्ट कैंसर कहा जाएगा, ब्रेन से शुरुआत होगी तो उसे हम ब्रेन कैंसर कहते हैं, लिवर से शुरुआत होती है तो उसे हम लिवर कैंसर कहते हैं। तो ब्लड कैंसर, लिवर कैंसर, बोन कैंसर, मतलब इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कैंसर होते हैं। ओके मैम, तो मैम जैसा कि आपने बताया कि कैंसर कई प्रकार के होते हैं, वैसे मैम इनके कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये कैंसर है या होने वाला है। तो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर? जैसे कि मैंने अभी बताया कि कैंसर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कैंसर होते हैं, इसलिए कोई एक पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम नहीं कहा जा सकता कि ये कैंसर का ही लक्षण है। फॉर एग्जाम्पल अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अब वेट लॉस जरूरी नहीं है कि वो कैंसर की वजह से होए, और भी बहुत सारी बीमारियों में वेट लॉस होता है, पर कैंसर कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द कॉजेज। सिमिलरली हम नॉर्मली एक टर्म यूज करते हैं मेडिकल में, कॉशन। कॉशन मतलब सावधान, और कॉशन का जो हर एक लेटर है वो एक पर्टिकुलर कैंसर के को इंडिकेट करता है। समथिंग लाइक कॉशन का सी स्टैंडिंग फॉर चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट्स। जैसे एक हर इंसान की एक नॉर्मल नियमित रूटीन होती है कि स्टूल पास होएगा, दिन में एक बार स्टूल पास होएगा, या फिर मतलब कि जो रहता है या इतनी, अगर इन हैबिट्स में चेंज हो रहा है, खासकर कोई रीसेंट चेंज हो रहा है, जैसे रीसेंट किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रही है जो काफी काफी दिन तक कर रही है, या रीसेंट कोई बाउल या ब्लैडर हैबिट्स में चेंज हो रहा है, तो इट कैन बी, इट डजंट मीन कि ऑल patients who are constipated will have cancer, या फिर all patients who have change in bowel or bladder habits will have cancer, but cancer can also be one of the factors. मतलब it can indicate a colon cancer with the change in the bowel habits. इसी तरह से जैसे A standing for
असोर विच डज नॉट हील, मतलब कि छाला कहीं पे है, मुंह में स्पेशली काफी बार छाले पाए जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही छाले कैंसर होते हैं। कुछ छाले होते हैं जो आप नॉर्मली बी कम्प्लेक्स वगैरह लेते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाते हैं, बट ऐसे छाले जो हील नहीं हो रहे, काफी देर से कोई ऐसा छाला है जो हील नहीं हो रहा, तो उसे जरूर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कि कहीं वो कैंसर तो नहीं है। सिमिलरली अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग और डिस्चार्ज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, नॉर्मल जैसे लेडीज की एक नॉर्मल साइकिल्स होती है, एवरीबडी नोज अबाउट इट, पर अगर वो साइकिल्स नियमित रूप से नहीं आ रही, उनके बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, साइकिल्स के दौरान ब्लीडिंग हो रही है, या फिर एक बार मेनोपॉज होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो दिस कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ कैंसर। शरीर में कहीं पे भी कोई थिकनिंग हो रही है, लंप, दिस कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर। सारी गांठें कैंसर नहीं होती, पर अगर कोई गांठ रिसेंटली हुई है और खासकर अगर वो साइज में बढ़ती जा रही है, तो उसमें कैंसर होने की काफी संभावना रहती है। एक कफ, खांसी या चेंज इन वॉइस, रिसेंट चेंज इन वॉइस, ये भी कैंसर होने के लक्षण हो सकते हैं। स्किन में कोई मोल है, मस्सा है, जो अब रिसेंटली बढ़ने लग गया है, या उसका कलर चेंज हो रहा है, या वहां से ब्लीडिंग शुरू हो गई है, ये भी कैंसर का कारण हो सकता है। एक ऐसा बुखार जो जा नहीं रहा, काफी जांचों के बावजूद भी उसका कारण नहीं पता लग रहा, तो इन केसेस में कैंसर होने की संभावना होती है। इस तरह से कैंसर के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, ये तभी पकड़ा जा सकता है जब आप जागरूक हैं और आपका जो इलाज करें आपके डॉक्टर जागरूक हैं। जैसा कि डॉक्टर मीना ने काफी अच्छी तरीके से समझाया कि कैंसर क्या है, कितने तरीके का होता है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि क्या, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर? कैंसर के काफी कॉजेज होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, 40% ऑफ कैंसर वी से इज बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल फैक्टर्स, समथिंग लाइक टोबैको, अल्कोहल। तकरीबन 10% कैंसर होते हैं जो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। एक कॉमन इन्फेक्शन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, जो सर्वाइकल कैंसर का कारण मानी जाती है। इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, जो बॉडी को प्रोन बनाती है कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिवर कैंसर के लिए। इसके अलावा कैंसर के कुछ कैंसर जेनेटिक कारणों से भी होते हैं, जो फैमिलीज में ट्रांसफर होते हैं, जेनेटिक रीजंस की वजह से होते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स लाइक ओबेसिटी, ये भी, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लेस फिजिकल एक्टिविटी भी कैंसर, काफी लोगों में कैंसर का एक पर्टिकुलर एक कारण माना जा सकता है। और ऐसे भी इंस्पाइट ऑफ सारे कॉजेज के बावजूद भी कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं जिनमें हम कोई कारण नहीं बता पाते। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बर्डन ऑफ कैंसर इन इंडिया? इंडिया में किसी भी एक पॉइंट पे तकरीबन आज की डेट पे 1.5 टू 2 मिलियन कैंसर केसेस हैं। हर साल 800,000 नए केसेस, कैंसर के नए केसेस पाए जाते हैं, एंड एवरी ईयर वी लूज अप्रोक्सीमेटली 7,00,000 पेशेंट्स टू कैंसर। कैंसर का बर्डन इंडिया में काफी हाई है, और हमें ये जान के ताज्जुब होगा कि इंडिया में वर्ल्ड की हाईएस्ट रेट है सर्वाइकल कैंसर, यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर और ओरोफेरिंजियल कैंसर। ये वर्ल्ड में हाईएस्ट इंडिया में पाया जाता है, और इंडिया में जो कैंसर होता है उनकी खास कुछ विशेषता ये है कि हमारे देश में जनरली 70-80% पेशेंट्स डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब कैंसर ऑलरेडी काफी एडवांस स्टेज में होता है। जो स्टैटिस्टिक्स हमें बताती है कि यूएस में जो 50% ऑफ कैंसर डेथ्स होती है वो तकरीबन 70 साल से बड़े लोगों की होती है, पर हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ कैंसर डेथ्स, मतलब 70% की कैंसर डेथ्स तकरीबन 30 और 69 के एज ग्रुप के बीच में होती है। इसका ये मतलब है कि हमारे देश में हम बहुत सारे प्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोगों को कैंसर की वजह से खो देते हैं। इसके अलावा जो कैंसर के कारण भी हैं वो भी दिन ब दिन और नई नई बढ़ती हुई चेंज होती हुई जीवन शैली की वजह से कैंसर बढ़ता भी जा रहा है। नॉट ओनली दैट कैंसर इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग, बट वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज कि आज की डेट में कैंसर यंगर एज ग्रुप में भी पाया जा रहा है, बहुत सारे यंग एज ग्रुप में भी पाया जा रहा है।
वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए एक एक टर्म होती है कैंसर इन द माइनर्स, जो कैंसर माइनर्स का है वर्ल्ड वाइड एवरेज है 0.5%, पर हमारे देश में इसका स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 15% कैंसर माइनर्स में, मतलब यंग एज ग्रुप में पाए जाते हैं। तो कैंसर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हमारे हम लोग कैंसर को बहुत यंगर एज ग्रुप में भी देखना शुरू कर दिया है, और साथ के साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है मेट्रोज में कैंसर काफी बढ़ता जा रहा है, ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस भी हमारे मेट्रोज में काफी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा लंग कैंसर, एंड देयर इज अ न्यू एंटिटी विच इज नोन एज कैंसर इन द नेवर स्मोकर्स, लोग जो कभी स्मोक नहीं करते उनमें भी लंग कैंसर पाया जाता है, दैट मे बी बिकॉज ऑफ पैसिव स्मोकिंग और मे बी ड्यू टू मेनी अदर रीजंस। सिमिलरली स्टमक के कैंसर भी काफी आगे से बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर मीनू ने काफी अच्छी तरीके से समझाया कि कैंसर क्या है, कितने तरीके का होता है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, और इसके साथ साथ क्या कौन कौन से कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये कैंसर होता है। लेकिन मैम हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को कैंसर हो जाता है तो कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, आप ट्रीट कैसे करते हैं? कैंसर को मोटा मोटा तीन तरीकों से ट्रीट किया जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं, वन इज नोन एज सर्जरी, अदर इज रेडिएशन थेरेपी और रेडियोथेरेपी, एंड द थर्ड इज कीमोथेरेपी और सिस्टमिक थेरेपी। कैंसर को जो लोकल ट्रीटमेंट होती है, सर्जरी और रेडिएशन बेसिकली लोकल ट्रीटमेंट्स है, और जो सिस्टमिक थेरेपी है मतलब जो शरीर के हर भाग में जाती है उसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर की दवाइयाँ होती हैं जो ब्लड स्ट्रीम के तरफ बॉडी के हर पार्ट में पहुंचती हैं। जैसे कि आपने बताया मैम कि हमारे पास सर्जरी ऑप्शन है, रेडिएशन ऑप्शन है और कीमोथेरेपी, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे मैम कि कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी आर मेडिसिन विच आर बेसिकली गिवन टू किल द कैंसर सेल्स। तो जो मेडिसिन कैंसर के सेल्स को किल करती है उसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी कोई एक दवाई नहीं का नाम नहीं है, देयर आर मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स जिनको हम कीमोथेरेपी का नाम देते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर मीनू से, व्हाट इज टारगेटेड थेरेपी? विद एडवांसेस इन द नॉलेज अबाउट कैंसर सेल्स, we have been able to identify the various certain special targets on which are specifically present on the cancer cells. For example, कुछ ऐसे targets होते हैं, कुछ ऐसे receptors हैं जो cancer cells पे काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और बाकी normal cells में नहीं पाए जाते। इन targets को target करके जो therapies develop करी गई हैं उन्हें हम कहते हैं targeted therapies। Targeted therapies का क्या advantage है? नॉर्मली अगर जो नॉर्मल कीमोथेरेपीज होती हैं वो बॉडी के गुड और बैड सेल्स दोनों को इफेक्ट करती हैं। रिजल्ट ये होता है कि कैंसर सेल्स तो मरते हैं डेफिनेटली, पर नेचुरली आपके पास कुछ साइड इफेक्ट जरूर होते हैं बिकॉज द गुड सेल्स आर ऑल्सो इफेक्टेड। व्हेन वी गिव दिस टारगेटेड थेरेपीज ये मैक्सिमली जाके उन्हीं सेल्स को अटैक करती है जिनमें वो टारगेट्स पड़े होते हैं या टारगेट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से नॉट ओनली दैट एफिकेसी इज बेटर, रिजल्ट्स आर बेटर, इसके साथ साथ आपके साइड इफेक्ट्स भी काफी कम होते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द न्यू डेवलपमेंट्स इन अ कैंसर ट्रीटमेंट? कैंसर ट्रीटमेंट में आज की डेट में काफी डेवलपमेंट हो गई है हर फील्ड में, ना ओनली मतलब सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सारी के सारे फील्ड में पहले के मुकाबले में डेवलपमेंट्स काफी ज्यादा हो गई हैं। पहले वाली जो मेटिलेटेड सर्जरीज होती थी उसकी जगह आज की डेट में बहुत बेटर सर्जरीज की जाती हैं विद हाई प्रिसिशन। इसके अलावा जैसे हमारे पास टेक्निक्स होती है सेंटिनल लिम्फ नोड मैपिंग इन ब्रेस्ट कैंसर, आप उसमें आप ऑर्गन प्रिजर्वेशन ज्यादा कर सकते हो और साइड इफेक्ट्स जो सर्जरी के बाद वगैरह होते हैं उसको काफी कम किए जा सकते हैं। आज की डेट में ऑर्गन प्रिजर्वेशन पे काफी ज्यादा जोर पाया जाता है, समथिंग लाइक जैसे लैरिंग्स वगैरह में, यूनरी ब्लैडर वगैरह में ऑर्गन प्रिजर्वेशन टेक्निक्स होती हैं। रेडिएशन की मशीन्स भी काफी नई नई मशीन्स आ गई है जिसकी वजह से आप ज्यादा अच्छी तरह से ज्यादा प्रिसाइज हाई डोज रेडिएशन दे सकते हो सिर्फ एक पर्टिकुलर टारगेट ट्यूमर एरिया पे, और नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यूज में आप एक्सपोजर रेडिएशन का काफी कम कर सकते हैं। सिमिलरली सिस्टमिक थेरेपी में कीमोथेरेपीज काफी नए नए कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स आ गए हैं
जो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतर होते हैं, ज्यादा एफिकेशियस होते हैं। इसके अलावा इनके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। इसके अलावा कीमोथेरेपी को देने का तरीका भी, मतलब आप जैसे पहले सिर्फ नॉर्मल आईवी लाइन से दिए जाते थे, जिसकी वजह से काफी पेन वगैरह पेशेंट को, पेनफुल वेन्स वगैरह में थ्रोम्बोसिस होने की वजह से पेन रहता था, आज की डेट में हम कीमोथेरेपी को पिक लाइंस के थ्रू, सेंट्रल वीनस डिवाइसेस के थ्रू दिया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट्स इन कीमोथेरेपीज, वी ऑल्सो हैव नाउ टारगेटेड थेरेपीज, दैट इज जैसे मैंने अभी कहा कि स्पेशली टारगेट्स को वो एड्रेस करते हैं और टारगेट्स को ही किल किया जाता है, जिसकी वजह से आपके सिर्फ कैंसर सेल्स ही मेजरली किल होते हैं और नॉर्मल बॉडी सेल्स स्पेयर हो जाते हैं। एंड स्पेशल समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट इन कैंसर मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर वैक्सीन्स। कुछ साल पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि कैंसर की भी फील्ड में वैक्सीन्स आएंगी, जैसे डेवलपमेंट ऑफ कैंसर वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर। इन वैक्सीन से, ये वैक्सीन्स मेनली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट हैं, जो पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर को कॉज करते हैं। तो इन वैक्सीन्स वगैरह को लगाने से ये हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर, एटलीस्ट सर्वाइकल कैंसर को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न है डॉक्टर मीनू से कि हम कैंसर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, कैंसर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा कि कैंसर किन कारणों से होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जरूरी है। इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ कैंसर स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, इनसे दूर रहना जरूरी है। उसके अलावा हमें स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर जोर देना जरूरी है। स्क्रीनिंग टेस्ट एक ऐसे टेस्ट होते हैं जो उस समय कैंसर को डिटेक्ट करते हैं जब कैंसर कोई हमारी बॉडी में साइंस एंड सिम्टम्स भी नहीं प्रोड्यूस कर रहा। मतलब कैंसर, इन्हीं स्क्रीनिंग टेस्ट की वजह से हम कैंसर को उस स्टेज में पकड़ सकते हैं जब वो एक्चुअली स्टेज जीरो में या स्टेज वन में शुरुआत में होता है। कैंसर को का तो सारा खेल ही स्टेज का है। जितनी जल्दी स्टेज में, अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ लिया जाता है, उतना ही अच्छी तरह से उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है।